सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स सेहत के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, तो हमें ये खाने ही चाहिए। और इस सीज़न में आंवला बहुत ही अच्छा मिल रहा है, तो चलिए आज हम बनाते हैं आंवले से आंवले का अचार। तो आंवले का अचार बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ले लिया है एक बर्तन में थोड़ा सा पानी, और इसके अंदर मैं डाल दूंगी सारे आंवले। तो यहाँ पे मेरे पास तकरीबन 500 ग्राम जितने आंवले हैं, और इसको अच्छे से धो लेना है ताकि इसके ऊपर जितनी भी धूल मिट्टी जमी हो सब निकल जाए और हमारे आंवले अच्छे से क्लीन हो जाए। और अब मैंने यहाँ पे ले लिया एक स्टीमर, और इसके अंदर डाल दिया है 2 ग्लास जितना पानी, और इसके ऊपर रख दिया है मैंने ये प्लेट, जो जाली वाला प्लेट आता है वो रख दिया है। और अब इस प्लेट के ऊपर रख दूंगी मैं सारे आंवले, और उसको ढक के हम स्टीम होने के लिए रख देंगे। अगर आपके पास इस तरह का स्टीमर नहीं है तो आप कोई भी बड़ी सी पतीली लेके उसके नीचे स्टैंड रख के, कोई और एक बर्तन लेके जो पतीली में फिट आ जाए वैसा बर्तन लेके उसके अंदर आंवले को रखे, उस तरह भी आप उसको स्टीम कर सकते हो। तो बहुत ही इजीली स्टीम हो जाता है, लेकिन आप डायरेक्ट पानी के अंदर डाल के उबालना मत, क्योंकि जो आंवले के अंदर जो विटामिन मिनरल्स होते हैं वो सारे पानी में चले जाएंगे। तो हमें इस तरह स्टीम करके ही आंवले को लेना है। तो 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, और ये देखिए हमारे आंवले तकरीबन स्टीम हो चुके हैं। जब आंवले इस तरह बीच में से फट जाए तब समझ लेना है कि हमारे आंवले स्टीम हो चुके हैं, तब हम गैस बंद कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने ढक्कन लगा के गैस बंद कर दिया है, और अब इसको 15 से 20 मिनट ठंडा होने देंगे और फिर हम ढक्कन खोलेंगे। तो यहाँ पे हमारे आंवले एकदम ठंडे हो चुके हैं, और अब इसके हम सीड्स निकाल लेंगे। तो आंवले एकदम स्टीम हो जाएंगे तो इजीली उसके सीड्स निकल जाएंगे, और इसके जो पीसीस है वो भी अच्छे से अलग हो जाएंगे। तो इस तरह हम सारे आंवलों के सीड्स निकाल लेंगे और उसको पीसीस में निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितना इजीली मैं इसको कर रही हूँ। तो 5 से 7 मिनट में इजीली सारे मेरे आंवले के सीड्स निकल गए, और इसके जो पीसीस है वो भी अलग हो गए। आंवला के ये पीसेस एकदम साबुत रहेंगे, बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। तो ये देखिए कितनी आसानी से मैं इसके निकाल रही हूँ, क्योंकि हमने उसे स्टीम करके लिया है। तो एकदम अच्छे से हमारे ये सारे पीसेस निकल जाएंगे। तो इस तरह मैंने सारे पीसेस निकाल लिए हैं, और अब हम ले लेंगे एक बर्तन जो नीचे से मोटे तले वाला हो। तो यहाँ पे मैंने ले लिया एक कढ़ाई जो नीचे से मोटे तले वाली है, और अब इसको रख देंगे गैस के ऊपर और फ्लेम को ऑन कर देंगे, और कढ़ाई को थोड़ा गर्म होने देंगे। कढ़ाई थोड़ी सी गर्म हो जाए फिर इसके अंदर ऐड करेंगे 1.5 बड़े चम्मच ऑयल। तो यहाँ पे आप घर पे जो भी ऑयल खाते हो वो ले सकते हो, मैंने यहाँ पे सिंग तेल लिया है क्योंकि हम सिंग तेल खाते हैं। और अब थोड़ा सा ऑयल गर्म हो जाए फिर इसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच कलौंजी और 1 चम्मच सौंफ। तो यहाँ पे सौंफ मैंने लखनवी सौंफ ली है, अगर आपके पास लखनवी सौंफ है तो वही यूज़ करिएगा, क्योंकि उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। हमें इसे लो फ्लेम पे सेकना है, नहीं तो हमारे सारे मसाले जल जाएंगे। 15 से 20 सेकंड इसे हमें सेकना है, और अब इसके अंदर ऐड करेंगे हल्दी। तो यहाँ पे हल्दी मैंने 1/2 चम्मच ली है, और 1 चम्मच लिया है मैंने धनिया जीरा पाउडर, और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। और अब इसको मिक्स कर लेंगे, और अब इसके अंदर तुरंत ही हम ऐड कर देंगे आंवला जो हमने स्टीम करके रखा हुआ था। इसमें अगर थोड़ी सी भी देरी होगी तो हमारी जो लाल मिर्च पाउडर और जो मसाले हमने ऐड किए थे वो सारे चल जाएंगे। तो इसे तुरंत ही हमें ऐड करना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है। सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, लेकिन मुझे लाल मिर्च थोड़ी सी कम लग रही थी क्योंकि हमारे घर में थोड़ा सा तीखा खाते हैं। तो मैंने 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च और ऐड की है, और टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड किया है, और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब इसके अंदर ऐड करेंगे गुड़। तो यहाँ पे गुड़ मैंने 1/2 कप लिया है, और 1/2 कप मैं चीनी लूंगी। अगर आपको इसके अंदर चीनी ऐड नहीं करनी है तो आप 1 कप गुड़ भी ले सकते हो, और अगर गुड़ नहीं लेना है तो 1 कप चीनी ले सकते हो। तो मैंने दोनों 1/2 लिया है, तो दोनों मिलाकर 1 कप होता है। तो आप कोई सा भी ले सकते हो जो आपको पसंद हो, और दोनों मिक्स करके लेना हो तो भी ले सकते हो, वो भी बहुत ही अच्छा लगता है। और अब इसको मिक्स कर लेंगे, और ये देखिए गुड़ और चीनी धीरे धीरे मेल्ट होने लगे हैं, और अब इसको लो फ्लेम पे ही हमें पकाना है। यहाँ पे हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, हमें इसे हाई फ्लेम पे नहीं पकाना है, इसे हमें लो फ्लेम पे ही पकाना होगा। तो इसको आप छोड़ के और कोई काम भी कर सकते हो, लेकिन बीच बीच में इसको हिलाते रहेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि गुड़ और चीनी एकदम मेल्ट हो चुके हैं और एकदम लिक्विडी फॉर्म में आ गए हैं। तो इसे हमें लो फ्लेम पे अभी पकाना होगा। तो तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे इसको पकने में। तो 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, और ये देखिए हमारा अचार ऑलमोस्ट रेडी है। इसका जो रसा है वो भी गाढ़ा हो चुका है, और ये हमारे जो आंवले हैं वो भी पक गए हैं, तो इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो अब ये ऑलमोस्ट रेडी है।
तो अब लास्ट में इसके अंदर ऐड करेंगे नींबू का रस। तो यहाँ पे मैंने एक नींबू का रस लिया है, तकरीबन 2 से 3 चम्मच जितना होगा। तो उसको भी ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेना है और 1-2 मिनट हमें इसको चलाना है। तो आंवले का अचार एकदम रेडी है। तो गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इसको एकदम ठंडा होने देंगे। अचार एकदम ठंडा हो जाए फिर उसको एयरटाइट कंटेनर में भरना है। तो यहाँ पे मैंने ये ले लिए जार जो मेरे पास पड़े थे जैम और ये शेजवान चटनी के, तो इसके अंदर मैं ये आंवले का अचार भर दूंगी। आप कोई से भी जार में इसको भर सकते हो, लेकिन ये जार कांच का होना चाहिए और एयरटाइट होना चाहिए। कांच के एयरटाइट जार या फिर कंटेनर में अचार को स्टोर करने से वो लंबे समय तक फ्रेश रहते हैं। इसको आपको फ्रिज में रखने की भी कोई जरूरत नहीं है, ये बाहर भी एकदम फ्रेश ही रहेगा। तो आप इसको आराम से 2-3 महीने तक एंजॉय कर सकते हो। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब। ओके बाय।